यहाँ डिबेट कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, किसी प्रकार इस देश की जमीनों कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, ये यहाँ डिबेट कब्जा करने का प्रयास है, ये भी एक प्रकार का जिहाद है, ये डिबेट जिहाद है जिसको लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप तो इतने देखो यहाँ ना, ये देखो बैठे हुए विष्णु जी और अतिकु रहमान साहब, एक मिनट विष्णु जी बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए पहले, एक एक करके बोलिए। देखिए सुचरिता जी, आज तर्क और कुतर्क में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपके सामने बता दिया। ये कर्नाटका एक्ट का एक भी सेक्शन नहीं बता पाए, अगर जानकार है तो बताएं कर्नाटका एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो हिंदुओं को पावर देता है एनक्रोचमेंट हटाने की, बताएं, चैलेंज कर रहा हूं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, सुचरिता जी मुझे बताइए, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आज नहीं 2008 में जजमेंट दिया है, डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे सबसे हाईएस्ट जमीन है तो वह बोर्ड की है, ये मेरे आंकड़े नहीं है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आंकड़े, उसको आप झुटला देंगे क्या? और उसके बाद सुचरिता जी मुझे आप ये बताइए, मैंने इनके सामने सारे संवैधानिक प्रोविजन और वफ एक्ट के जितने प्रोविजन से वो बताए हैं उसका कोई जवाब है क्या? सेक्शन 40 का जवाब है क्या? सेक्शन 8 का जवाब है क्या? सेक्शन 55 का जवाब है क्या? मैं अतिकु रहमान साहब के पास जा रही हूं सर, पढ़ेगी सुचरिता, उसके बाद मैं वापस स्टूडियो में आऊं। 323A और 323B का मर्डर करते हुए आर्टिकल 323A और 323B में लिखा हुआ है कि किस मामलों पे कोर्ट बन सकती है, वापस उसमें फॉल नहीं करता है। देखिए मैं एक चीज कहूंगी कि अभी जो ताजा जो एक विवाद हुआ जो शिमला में हुआ संजौली में जो विवाद हुआ अतिकु रहमान साहब, वहां पर भी मामला यही आया कि वो जमीन वक्फ की थी, फिर वहां पर कैसे जमीन कैसे अतिक्रमण हो गया, मांग बढ़ा दिया गया, फिर ये प्रस्ताव आया कि हम खुद हटा देते क्योंकि मामला बड़ा हो गया। अब आप सोचिए, इसीलिए ये तो ताजा उदाहरण है वक्फ का, और बहुत से ऐसे मामले हैं, मैं पटना की बात बता रही हूँ। आप कांग्रेस वाली लाइन में ले आइए शहजादी, कांग्रेस का उदाहरण है, वरना बोलेंगे भाजपा वाले अनिरुद्ध सिंह को भाजपा वाला ना बोल दे, शिमला में भाजपा ने नहीं कांग्रेस ने उठाया इसको, अब आप कांग्रेस के थे। अब अतिकु रहमान साहब जरा बताइए, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देश का एक बड़ा तबका ये भी सोचता है कि वक्फ बिल में संशोधन जरूरी है, वो राय भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये QR कोड वाली जो जंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो चल पड़ी है। लोगों को लगता है कि एक ऐसी जमीन, इतनी ज्यादा जमीन एक बोर्ड के पास है जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जिस बोर्ड के बारे में कितने लोग हैं जो उसे मैनेज कर रहे हैं, जरा आप ये बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? तकरीबन 10 लाख एकड़ जमीन है और कितने लोग मैनेज कर रहे हैं उसे? आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट कर रखा है खुद को। रहमान साहब नहीं आ रहा ऑडियो, QR कोड ऑडियो नहीं आ रहा आपका, मैं वापस आती हूँ अतिकु रहमान साहब, आई थिंक देयर सम प्रॉब्लम। एक वाक्य केवल कहना चाहता हूँ, हर जगह ये आपने कई बार जी आप ही को जवाब आप ही को देना है, ये सब जगह आरएसएस ओमान सऊदी ईरान कहीं पर भी ऐसा कानून नहीं है जैसा कानून भारत में इन लोगों ने बनाया। अच्छा, कांग्रेस ने दो तरीके के कानून बनाए 90s में, एक कानून ऐसा बनाया कि सुचरिता अपना प्लेस ऑफ वर्शिप भी क्लेम नहीं कर सकती, और दूसरा ऐसा कानून बनाया कि मुमताज को जो पसंद आए, जो आपको पसंद हो डिक्लेयर करो और ले लो, 1500 साल पुराना गांव भी डिक्लेयर करके ले लो। अरे भाई 1400 साल पहले कुरान पाक आया, उसके बाद वक्फ आया, और 1500 साल पुराना शिव मंदिर क्लेम कर लिया, ये कैसे क्लेम हो गया? नहीं कैसे क्लेम हुआ ऐसा है, देखिए मुमताज जी कल आपका घर क्लेम हो जाएगा। अरे भाई कहां ऐसा हो रहा है, 123 प्रॉपर्टी पटना के गांव में क्या हुआ है भाई? वो हमें नहीं, पूरा का पूरा गांव वक्फ को अल्टीमेटम दे रहे, नोटिस दे रहे। या तो आप मान लीजिए कि ना तो इस मुल्क में अब सरकार बची है और ना तो संविधान बचा है, या तो ये मान लीजिए, या तो फिर मानिए कि वो है और वहां पे चीजें चैलेंज होगी, जो होगा दूध का दूध पानी का पानी को। नंबर एक, नंबर दो, बार बार आप जो ही कह रहे हैं कि जमीन बांट दीजिए कर दीजिए, कौन चला रहा है, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए कब्रिस्तान ठीक है, उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? जनता कर रही है, मुसलमान कर रहा है। एक मिनट रुक जाइए, इधर से मस्जिद वक्फ की है, उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है, वहां कौन जाता है, खानकाहें जो है वहां कौन जाता है, कौन इस्तेमाल करता है, करबला जो है करबलाएं वहां कौन जाता है, कौन इस्तेमाल करता है, इमाम बारगाहें वहां कौन जाता है, कौन इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कौन चला रहा है, एक तो बोर्ड, एक लाइन जोड़ दो, एक मिनट 10 हॉस्पिटल बता सकते हैं वक्फ जो चला रहा है? बिल्कुल है, हॉस्पिटल भी है, सब कुछ है, और नहीं है तो उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, हुकूमत है, वो जिम्मेदार है, हुकूमत जमीन आपके बना है, ठीक है जिम्मेदार को लेना, तो हुकूमत से मतलब क्या, हुकूमत से मतलब नहीं शहजादी, हुकूमत से मतलब सिर्फ आपकी सरकार नहीं है पिछले 10 साल की, हुकूमत से मतलब जब से वक्फ है तब से
से हुकूमत का मतलब तो वही है ना, जब से वक्फ है तब से। आप सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं। एक मिनट, एक बात बताइए। अच्छा एक मिनट, अरे राज मिश्रा जी बात सुन लीजिए। आप भी मानते हैं ना, आप भी तुम्हारी होने नहीं दे रहे हैं। जो मुस्लिम आप अगर सही बात गुमराह करने दरअसल सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं, कोई मकसद नहीं है। गुमराही फैलाओ, झूठ मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाओ, जिम्मेदार है अगर कुछ नहीं कर पाए तो फिर हुकूमत कर दीजिए। फिर बदलाव ला रही है ऐसा है। तो हमारी जमीन पे कब्जे किए सरकारों ने, किसने 60-70% पे उसके बाद 60-70% जमीनों सरकार ने कब्जे किए, सरकार और गैर सरकारी और गैर सरकारी कब्जे हैं। ठीक है, आप इसको पता कर लीजिए। अच्छा ठीक है, जो आप 9 लाख जमीन पहले 8 लाख थी, अब 9 लाख, अब तो आपके यहाँ 10 लाख लिख दी गई और हो सकता है अभी 20 लाख तक पहुंच जाए। खैर, लेकिन उस पे कब्जा किसका है? क्या वो सारी जमीन वाकई मुसलमानों की मिली हुई? नंबर एक। नंबर दो कि वक्फ बोर्ड जो बनाया गया, वक्फ बोर्ड सरकारें बनाती हैं, उसका चेयरमैन सरकार बनाती है। ठीक है, मैंने आपके यहाँ मिसाल दी थी, फिर मिसाल दे रहा हूँ। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद फैसला आया और कहा कि आप भव्य राम मंदिर बनाइए, और अयोध्या में ही कहा कि 5 एकड़ जमीन हम आपको दे रहे हैं और आप वहां पे मस्जिद बनाइए। भव्य राम मंदिर तो बन गया, लेकिन ये बताइए मस्जिद कहाँ है भाई? और नहीं बनाई तो जिम्मेदार है कि सरकार और बिल्कुल दीजिए जवाब। मंदिर हिंदुओं के चंदे से बना है, आप भी दे दो ना। हमारे पास चंदा ही नहीं है। दिलवाइए, अगर 5 दिन के अंदर उतने पैसे ना जाए फिर सुन लो। अच्छा मुमताज, लेकिन उस पे ईडी ने भेज दिया। सुन तो लो ना, इतना इमोशनल ईडी ने भेज दिया। सुन लो, सुन लो मुमताज जी, मैं केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बोला था कि इस इनकम, इसकी पूरी इनकम 12,000 करोड़ होनी चाहिए, ये आपको भी पता है? हाँ, बिल्कुल पता है मुझे। तो 12,000 करोड़ के बदले आज 200 करोड़ हो रही है, तो ये 11,800 करोड़ रुपए आप लोग जिम्मेदार हैं? आप लोग सब चीज के लिए, क्योंकि क्योंकि जो वक्फ बोर्ड बनता है, वक्फ सेंट्रल काउंसिल है, उस सब पे आप लोगों को कब्जा है, हुकूमतों को कब्जा है। ठीक है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए ना? बिल्कुल आनी चाहिए। तो फिर विरोध क्यों? तो पूरी जमीन लेने का विरोध इसका नहीं है। जमीन लेने की बात थोड़ी है, पूरी जमीन पे कब्जा कर रहे हो। जमीन पर कब्जा करने की बात नहीं है। अरे मैं गिनाऊं, संशोधन में, संशोधन में, संशोधन संशोधन में ट्रांसपेरेंसी लाने की बात है। आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे? नहीं नहीं, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूं। आपने बोला, अच्छा एक मिनट मुमताज जी, नहीं मैं आपको, एक मिनट अतिकुर रहमान साहब भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चले जाऊंगा। पर आपने जो बात बोला वही सवाल है, नहीं रहेगा। एक मिनट, ये सर, ये मैं एक मुमताज जी, एक सेकंड, आप ही का सवाल लेकर एक बार अतिकुर रहमान साहब, मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि आवाज आ जाए उनकी। अतिकुर रहमान साहब, जो उन्होंने बात बोली है कि भाई इसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति का कोई ज्यादा अच्छी तरह से ना यूज हो पाया है और सरकार ही उसका मैनेजमेंट, क्योंकि बोर्ड तय करती है, तो अब सरकार ही उसमें संशोधन की बात कर रही है जिससे कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ सके। जमीनें नहीं हड़प रही है, ये क्यों प्रोपेगेंडा फैला देते हैं कि आपका ईमान जगाओ, सड़कों पर उतर जाओ, वरना आपकी ना मस्जिद रहेगी, ना मीनारे रहेंगी, ना मजारे रहेंगी, सब छीन लेगी हुकूमत, ये वाली तकरीरें चल रही है। सुचारिता जी, ये ट्रांसपेरेंसी वाला क्लॉज जो है अमेंडमेंट बिल के अंदर, ये आप जरा सुन लीजिए। आप सुन पा रही है मुझे? हाँ जी बिल्कुल सुन पा रही। और चाहूंगा कि शहजाद इसको स्किप ना करें और इसका जवाब दे। नो सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट ऑन बिहाफ ऑफ द वर्क्स व्हिच हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड शैल बी इंस्टीट्यूटेड, कमेंस्ड, हर्ड, ट्राइड और डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट After 6 months of the commencement of 2024 WAF amendment. ठीक है, अब शहजाद साहब आप मुझे बताइए, क्या ये आर्बिट्ररी नहीं है? जल्दी से जवाब, क्या ये डेमोक्रेटिक है? जवाब दे दीजिए। क्या ये ट्रांसपेरेंसी लाने की तरफ? हाँ जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, मैं बस समय बहुत कम है। हाँ ये सुन तो पा रहे हैं परंतु समझ नहीं पा रहे। ये बोलते थे कि सीए में नागरिकता छिन जाएगी, 6 महीने पहले सुचारिता आपके साथ यही ऐसे कागज लेकर आते थे और पढ़ते थे, ओहो नागरिकता छिन जाएगी, हमारी नागरिकता छिन जाएगी। कितनी नागरिकता छिन, पहले उसका हिसाब दो, पहले उसका हिसाब दो कि कितनी नागरिकता छिन। आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं भाई, क्योंकि आप शुद्ध रूप से झूठ बोलते हैं, शुद्ध झूठ बोलते हैं आप।